और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु दे कारनामे देखो, मदीन अंदर आके वेखिया लोग बड़े परेशान ने, सहाबा बड़े परेशान ने मदीने अंदर आके, और एक खूह जिस खूह चो पानी मुसलमानों नु लेना बड़ी मुश्किल की बात है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्होंने मशरा किया सहाबा किराम दे नाल, फरमाया कि इन्हों कहो कि सौदा करिए। इन्हों दे नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम नु तैयार किया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु उठे और उस यहूदी दे नाल सौदा तय करना शुरू कर दिता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु ने 12,000 दिरम दे नाल ओ निसब खूह खरीदया, लेकिन उन्हें समझिया कि ये मुसलमान लुटे फुटे हुए, ये मक्के चो आए मुहाजर आए, इन्हों को की होना है, की इन्होंने देना है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु ने ओ निसब खूह खरीद के मुसलमाना वास्ते वक्फ कर दिता है। हत्ता के मुसलमान ही नहीं बल्कि जेड़ा भी आए वो पानी पिए। मुसलमान इतना दिल दा नरम है और इतना खैर खाए, इतना फरमाया लोगों का ख्याल रखता है कि अपने तो अपने बगाने भी बेशक फायदा उठान। लेकिन इस्लाम इतना वसी है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु ने वो खूह खरीदया मुसलमाना वास्ते वक्फ कर दिता है। एक दिन मुसलमाना दी वारी और एक दिन उन्हें यहूदियों की वारी, एक दिन उन्हों का कब्जा है एक दिन इन्हों का कब्जा है। लेकिन जिस दिन मुसलमान अपनी वारी भुगता के हट जान, दूसरे दिन कोई गाहक ही ना आए उस खूह उत्ते पानी मुल लैन वास्ते, यहूदी इतना परेशान होए कि मेरा तो कारोबार ठप हो गए। मुसलमाना ने तिजारत वास्ते खूह नहीं खरीदया कि असी लोगों को पैसे लैके, फरमाया कि पानी बेचांगे नहीं बल्कि पैसे दे के ते मुसलमाना वास्ते वक्फ कर दिता है, लोगों वास्ते वक्फ कर दिता है। जितना जी कर दे जितना दिल कर दे पानी अपना वक ले लो पी लो और स्टॉक कर लो अगले दिन वास्ते, कोई ममानत नहीं। लेकिन साडा सौदा किस दे नाले? रब्बुल आलमीन दे नाले। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। फरमासी जन्नत दा सौदा करने वास्ते दुनिया ते आया, कलमा पढ़े सौदा करना है जन्नत दा, सानू दुनिया दा सौदा नहीं है, सानू जन्नत दा सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें यहूदी ने वेखिया कि फरमाया हुण मेरा ये कम ठप हो गए, उन्हें फिर किया कि अगले दा भी सौदा कर लो। 8,000 दिरम दा यानी गोया के 20,000 दिरम दा सौदा पूरे खूह दा खरीद के वक्फ हो गए और मुसलमाना वास्ते दूसरे वास्ते। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहो जिस वक्त मदीने अंदर आए और सब तो पहले जो मस्जिद तैयार की गई है कुबा यानी उन कुंबे दे अंदर कबीले दे अंदर, और उसके अंदर उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहो दा भी किरदार है, मेहनत है। उन्होंने भी कोशिश की थी उस मस्जिद के बनान दे अंदर, वो केड़ी मस्जिद है जिदे बारे च रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, फरमाया ला तकुम फीह आबादा लमस्जिद उस्सिसालत तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फी फीह रिजालुन युहिब्बून यततहरून वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन। वो ऐसी मस्जिद के सब तो पहले जो कुबा मस्जिद तैयार की गई मदीने के अंदर, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद कुबा उसका नाम। ऐसी मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु फी मस्जिद, फरमाया कि इस मस्जिद अंदर जड़ा नमाज पढ़ेगा कुबा यानी कुबा मस्जिद का उम्रतेन, फरमाया गोया कि उसनु एक उम्रे दा सवाब मिल जाएगा। मस्जिद कुबा के अंदर जो दो रकात नमाज नफल अदा करेगा उसनु गोया के उम्रे दा सवाब मिल जाएगा। और यही अहादीस मस्जिद कुबा के अंदर ये लिखी हुई है दीवार के उत्ते, यही हदीस कि जड़ा इस मस्जिद अंदर जाके नमाज पढ़ेगा दो रकात नमाज अदा करेगा उसने गोया के उम्र का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी मस्जिद
कि उत्थों दे रहन वाले भी उस मस्जिद दे नाल इतना प्यार कर दे, इतनी मुहब्बत कर दे, इतनी दिल लगी कर दे, उदी सफाई सुथराई उदी देखभाल वास्ते ओ लोग तैयार ने हर वक्त। अल्लाह पाक ने फरमाया रिजाल ला तुलहीम तिजारतों वला बैयुन, फरमाया कि ऐसे लोग ने कि जेडे कि वो तकवे की बुनियाद उत्ते यानी मस्जिद खड़ी की गई है, वो ऐसे लोग ने युहिब्बू नहीं यतहरून उस चीज़ को पसंद कर देने के सी पाक और साफ रवीए। तयम्मुम भी कीता फिर वजू भी कीता, यानी इस तरह दे वो लोग सन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह दी अजमत नु बयान फरमाया, कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहो मस्जिद नबी दी तौसीक करने वास्ते जदों मस्जिद नबी बनाई गई है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वो मस्जिद जो आपने फरमाया कि मेरी मस्जिद मस्जिद नबी इदी तौसीक वास्ते जिहड़ा कोशिश करेगा नाल दी जगह खरीद के मस्जिद नबी दे नाम लवा गवाएगा मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसनु जन्नत दी जमानत देना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने 10,000 दिरम दी जगह खरीद के मस्जिद नबी दे नाम लगवा दी है। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु कि उस मस्जिद के बारे अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने की इरशाद फरमाया, सलातुन फी मस्जिद हाजा खैरुम मिन अल्फ सलातिन, फरमाया कि जेड़ा इस मेरी मस्जिद अंदर नमाज पढ़ेगा बाकी मसाजिद दे नालो फरमाया कि 1,000 नमाज का सवाब ज्यादा मिल जाएगा। बाकी मस्जिद नमाज पढ़ेगा लेकिन उतना सवाब उतनी उदी अहमियत नहीं कि जितना कि इस मेरी मस्जिद अंदर जेड़ा नमाज पढ़ेगा बाकी मसाजिद दे नालो, फरमाया उसनू 1,000 गुणा नमाज का सवाब ज्यादा मिलेगा। इल्लल मस्जिद हराम, मगर मस्जिद हराम तो हटके, बैतुल्ला तो हटके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा कि सवाब दी नीयत दे अंदर सिर्फ ज़ियारत दी नीयत दे नाल इरादा करके जाए कि मैं मस्जिद देखनी है, मैं उस मस्जिद की ज़ियारत करनी है, उसनु सवाब मिलेगा। वो केड़ी मसाजिद ने, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी मस्जिद मस्जिद नबी और मस्जिद हराम बैतुल्ला और मस्जिद अक्सा, ये तीन मसाजिद ने कि जेड़ा कि सिर्फ बंदा ज़ियारत दी नीयत दे नाल सफर करके जाता है उसनु सवाब देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो, हिजरत का दूसरा साल, मारका तैयार होया जंगे बदर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो इस मारके दे अंदर शरीक न हो सके, लेकिन हजरत उस्मान दी शान देखो, मकाम देखो, लोग हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ते शक करते ने ईमान दी कैफियत दे अंदर आके कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दे अंदर ईमान नहीं सी, क्या मुहम्मद रसूल असलम ने चीज़ नज़र नहीं आई, अपनी एक बेटी दे दी है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो घर के अंदर मौजूद ने, अपनी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा दी तिमारदारी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी लगाई, और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो उन्हां दी डिप्टी लगाई, फरमाया तुसी इत्थे ठहरो और मेरी बेटी दी तिमारदारी वास्ते तुसी मदीने अंदर ठहरो, तुहानू सवाब पूरा लभ जाएगा। जो कि लोग इस जंगे बदर दे अंदर तैयारी करके जा रहे हैं तुहानू भी सवाब पूरा मिलेगा, हिस्सा पूरा मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जिस वक्त कामयाबी पाके कामरानी पाके जंगे बदर तो वापसी का रुख किया है, अल्लाह अकबर कबीरा उधरों खुशियाँ ने और इधर हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा ज्यादा बीमार होंदिया जा रही ने। जिस वक्त जू ही मदीने के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे काफिला लैके, इधर हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा भी अल्लाह नु प्यारियां हो गई और इधर कफन दफन का इंतजाम किया जा रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन उधरों खुशियां और इधर गमियां। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा नु दफन किया जा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा दी कबर उत्ते दुआ भी की, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो रो रहे ने और आप दी अखा चो आंसू आ रहे ने, परेशान ने।
अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान परेशान ना हो, फरमाया तू परेशान ना हो, घबरा नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह कहने लगे महबूब मैनू परेशानी इस बात दी है कि मेरा रिश्ता सी तुहाडे नाल, मैं तुहाडा दमाद सा, लेकिन वो दमादी वाला रिश्ता आज खत्म हो गया है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे उस्मान परेशान न हो, मैं अपनी बेटी दूसरी उम्मे कलसूम दा तेनू रिश्ता देंगा। फरमाया परेशान ना हो, फरमाया उम्मे कलसूम दा रिश्ता निकाह तेनू दे देंगा, तू परेशान ना हो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ताई तो जुन्नुरैन दे लकम दे नाल पुकारे जा रहे, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम नो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ते इस बात का शक होंदा कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ने ईमानदार नहीं और मेरी बेटी नू तंग कीता है, परेशान कीता है, सताए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी भी अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता ना देंदे। लेकिन उस ईमान की कैफियत नू सामने रखदिया होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी दूसरी हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा नू उदा निकाह उस्मान दे नाल करवा दिता है। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो कि जिन्होंने बहुत सारे मार के भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल लड़े। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ऐसा वक्त भी आए आसमान तो भी पैगाम आ गया। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो जिस वक्त हिजरत दा छठा साल है बैते रिजवान दे मौके दे उत्ते जदो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो नू मक्के अंदर भेजिए जाओ गलबात करो मक्के वालियां दे नाल, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो गए। सहाबा किराम ए गुफ्तगू कर रहे ने कि उस्मान कितना भागा वाला है, कितनी किस्मत वाला है, वो तो मक्के दा तवाफ भी करेगा और सफा मरवा दी साई भी करेगा, हजरे अस्वद दा बोसा भी लेगा, लेकिन मुहम्मद रसूलल्लाह नू इतना यकीन, इतनी तसली है। गल सुनी सहाबा दी, फरमाया मेरे सहाबा मैं उस्मान ते इतना यकीन है कि मैं मुहम्मद रसूलल्लाह तो इलावा वो कदी भी तवाफ नहीं कर सकता, मैं उस्मान ते इतना भरोसा है। फरमाया कि वो मेरी मर्जी तो बगैर फरमाया कम नहीं करेगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो दी शहादत झूठी अफवाह झूठी खबर सहाबा तक पहुंची, आप तक पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू जमा कीता है और बैत लैन वास्ते कि उस्मान दे खून दा बदला लेना है। अल्लाह अकबर कबीरा 1400 सहाबा इंज हाथ ते हाथ रख के बैत कर रहे ने, एक थले हाथ मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लम दा उत्ते सहाबा दा अल्लाह अकबर कबीरा, फिर उत्ते हाथ मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लम सल्लम दा, फिर माया आसमान दी तरफों में बैत करना अगर जिंदा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, अल्लाह ने आसमान तो पैगाम सुना दिता है, फरमाया लकद सदक अल्लाह रसूलहु रुया बिल हक लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا। यानी अल्लाह पाक ने नबी पाक नू ख्वाब दी ताबीर जो उन्हां दा फरमाया ख्वाब आया है उहदा सच्चा कर दिखाया, वो आइंदा पूरा होया है लेकिन इस साल पूरा नहीं होया। इधर 1400 सहाबा बैत कर रहे ने, अल्लाह पाक ने की फरमाया लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीना इज युबायउनका तहत शजरति फअलिम मा फी कुलूबिहिम। मैं उन्हां दे दिलां नू जान ले आए, अल्लाह पाक सहाबा दे दिलां नू जान चुके है कि इन्हां दे दिल किस तरह दे ने, दिलां नू जाने है। फारिमा फालिमा माफी कुलूबिहिम, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं इन्हां ते राजी हो गया, इन्हां दे दिल बिल्कुल साफ ने, मैं इन्हां दे दिलां नू जाने है। लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीना इज युबायूनका,
अल्लाह उन्हें 1400 सहाबा ते राजी हो गए जिन्होंने बैत की उस दरख्त के थले बह के फरमाया माफी कुलूबिहिम फानजल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा। फतह का करीब का ऐलान भी सुना दिता है कि अन करीब इन्हों की फतह हो कामयाबी हो जाएगी, मैं इन्हों ते राजी हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनो और उस फरमान दे अंदर उस्मान दा कदम कदम नाल नाल है। उस अमल दे उत्ते उस्मान पूरे उतरे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा ए कम करेगा उन्हों अल्लाह अजर देगा, उन्हों अल्लाह जन्नत देगा, उन्हों अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजल उहदे उत्ते फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पुछया गया है फरमाया सब तो बेहतरीन सदका केड़ा है, अफजल सदका केड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलाम देना अल्लाह दे रस्ते अंदर, गुलाम देना अल्लाह दे रस्ते अंदर और खैमा लगा देना साए वास्ते अल्लाह दी रजा वास्ते और फरमाया ऊँटनी जवान देना अल्लाह दे रस्ते अंदर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्होंने तिन्ने काम किए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्होंने सदका भी दिता है और सायदा भी बंदोबस्त किया है और उठनी भी दी, एक नहीं कई उठ दिते अल्लाह के रस्ते अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा शख्स खर्च करता है अल्लाह के रस्ते अंदर अल्लाह ताला उसनू 700 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाते हैं। हजरत उस्मान ने इस हदीस पर भी अमल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा शख्स तैयारी करवाउंदा है किसी मुजाहिद दी ताकि उसका हथियार पूरा होए, उसकी जिरा पूरा हुई, तलवार पूरी होए, उसनू तैयार करके जिहाद वास्ते तैयार करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह बंदा भी बेहतर है, वह बंदा जन्नत जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने कितने सहाबा का खर्चा अपने जिम्मे लिए, जो तबूक की तैयारी की उठ भी दिते और हत्ता के तस्मे तक उन्होंने इंतजाम किए और उन्होंने खुराक का भी बंदोबस्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने किया है। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा शख्स खलीफा बनता है किसी गाजी का, यानी वह गए जिहाद ते पिछे घर उदी देखभाल संभाल की है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने भी पूरा जिहाद का सवाब मिलता है। उस्मान गनी इस ते भी पूरे उतरे और मदीने अंदर ठहरे। एक वेला ऐसा भी आए आप सरमाया कि तुम मदीने अंदर ठहरो लेकिन असी जिहाद ते जा रहे हैं, ऐ उस्मान तेनों पूरा हिस्सा मिलेगा उस जिहाद का। खैबर की जमीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मिली और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा गुबार अल्लाह दे रस्ते अंदर किसी मुजाहिद उत्ते लगता है वह गर्दो गुबार, वह गर्दो गुबार ते जहन्नम दा धुआं। फरमाया कि जहन्नम दी अग ये दोहे इकट्ठे नहीं हो सकते। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तों ने जिहाद भी किया है, गर्दो गुबार भी अपने वजूद से संभाले है, कपड़े भी गर्दो गबूर होए, जिसम भी गर्दो गबूर होए लेकिन जिहाद के अंदर हिस्सा ले है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने। इस हदीस से भी पूरे उतरे। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा तबूक की तैयारी की आपने चंदा मंगया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने एक उठ दे 100 उठ का ऐलान किया है, फरमाया और चाहिए 200 उठ का ऐलान और किया है, फरमाया और चाहिए 300 उठ का ऐलान और किया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने और भी खदमात बहुत ने लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ नकदी भी चाहिए, और भी माल चाहिए माल दौलत चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अशरफियां दी थैली भरी हुई, रकम भरी हुई, इंज थैली लिया के मुहम्मद रसूल्ला दी झोली अंदर सुट दी है। आप कदी इंज उलेट दे, कदी इंज इतनी मुहब्बत अखा चो आंसू भी जारी ने लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी दे आलम दे अंदर आके कहन लगे मा जर्रा उस्माना मा अमिल बादल यौम। आपने दो मर्तबा कहे, बार बार यही फरमाया
उस्मान जे आज दे बाद तू कोई अमल भी ना करे तेन कोई नुकसान नहीं होएगा। कौन उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो जिन्हें इतनिया कुर्बानियां इतनिया शहादतां इतनिया मेहनत सहाबा इकराम देना इतनी मुहब्बत इतनी दिल लगी। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज युबायूनका तहत शजरते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल्लजीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फिद्दुनिया हसना वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। ओ लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रस्ते अंदर जुलम तो बाद सहाबा ने हिजरत की उस्मान भी इस मुहाजरी अंदर मौजूद ने शामिल ने फरमाया कि उन्होंने जुलम तो बाद हिजरत की अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहानू इस जगह नालो बेहतरीन जगह लनुबव्वे अन्नहुम फिद दुनिया हसना दुनिया च बेहतरीन जगह मिल जाएगी वाला अजरुल आखिरत अकबर और आखिरत बहुत बड़ा अजर मिलेगा बहुत बड़ा अजर मिलेगा। लौ कानू यालमून काश के वो लोग जानते होंगे कि जिन्होंने मालूम ही नहीं इस चीज का काश के वो लोग जान लेंदे मालूम कर लेंदे इस बात नू कि सहाबा की असमत की है सहाबा की शान की है सहाबा का मकाम की है। अल्लाह अकबर कबीरा तो हजरात हजरत उस्मान की शहादत पिछले महीने 18 ज़ुलहज नू हुई है और बड़ी बेदर्दी दे नाल हुई है लेकिन इस महीने अंदर मुहर्रमुल हराम दे अंदर इस मुहर्रम दे महीने अंदर यकम मुहर्रम नू हजरत उमर फारूक की शहादत वो इंशाल्लाह अगले जुमे बयान करांगे और फिर नाल नाल ही इंशाल्लाह वाकया करबला उस्मान दी हजरत अली दी हजरत उस्मान हजरत उमर फारूक दी शहादत नाल नाल इंशाल्लाह फिर कुछ मुख्तसर फिर कुछ अगले जुमे इंशाल्लाह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दी शहादत और करबला दा कुछ मुख्तसर जिक्र करांगे। अल्लाह ताला सानू शहादत दी मौत नसीब फरमाए सहाबा किराम दे नाल मुहब्बत नसीब फरमाए और उन्हां दे नक्शे कदम ते अल्लाह पाक सानू चलन दी तौफीक अता फरमाए। जेड़ा सहाबा दे नाल बोझ रखदा है ओ मुहम्मद रसूलल्लाह दे नाल बोझ रखदा है जेड़ा मुहम्मद रसूलल्लाह दे नाल बोझ रखदा है ओ गोया के रब दे नाल दुश्मनी कर रहे रब दे नाल लड़ाई कर रहे क्योंकि अल्लाह दी जमात है। सहाबा दे नाल दुश्मनी करना मुहम्मद रसूलल्लाह दे नाल दुश्मनी करना है जेड़ा मुहम्मद रसूलल्लाह दे नाल दुश्मनी करेगा गोया के रब नाल अदावत कर रहे रब नाल दुश्मनी कर रहे। अल्लाह ताला आखिरत दी फिक्र नसीब फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक।